नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं कनकश्री और सावनी भट्ट से, यानी माँ बेटी की उस लाजवाब, बेमिसाल और सुरीली जोड़ी से जो इन दिनों सोशल मीडिया में काफी चर्चा में रही है। आज बातचीत का दूसरा हिस्सा। और अब हम बढ़ते हैं इस बातचीत के अगले हिस्से में। अब कनक जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे। जब एक एक अभिभावक होने के नाते, एक एक पेरेंट होने के नाते, आप जब सावनी को सिखाती हैं, तो क्या ये आपके अंदर ये रहता है कि आप उसको ये भी समझाएं कि हाँ देखो, अभी पढ़ाई और शास्त्रीय संगीत की जो तालीम है या जो उसका रियाज है, उसका संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ संगीत बहुत हावी हो जाए या सिर्फ पढ़ाई बहुत हावी हो जाए, ऐसा कुछ संतुलन बनाने के लिए आप कहती हैं क्या? हाँ, एक्चुअली थोड़ा ऐसा हो जाता है, क्योंकि अभी एक तो एज आपने जैसा कहा, ये बिल्कुल ऐसी एज है कि इस वक्त में ऐसा लगता है कि ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, और मैं ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ। पर मुझे मेरा उसको सतत यही मैं बोलती रहती हूँ कि जो भी चीज करनी होगी उसको थोड़ा वक्त ऐसा दो कि कुछ चीज अपने हाथ में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो दो चीजें करने में ये भी छूट जाए और वो भी छूट जाए। तो एक संतुलन बनाना तो वैसे भी बहुत जरूरी है, और जब पढ़ाई का बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाता है तो म्यूजिक ही ऐसा है जो उसको काफी मतलब मेंटली उसको शांत रखता है। अदरवाइज वो बहुत हाइपर इसमें रहती है कि पढ़ने के लिए भी उसका ऐसा है कि अगर आप मानेंगे नहीं, अगर उसने एक अगर इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी लिटरेचर का नॉवेल अगर लिया होगा तो वो एट ए स्ट्रेच उसको इतना पढ़ लेती कि मतलब मुझे ऐसा बोलना पड़ता है उसको कई बार कि माय गॉड, जिसको जरा बंद करो आप थोड़ी देर, कितना पढ़ोगी कंटिन्यूस। तो शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, सारी बुक्स हो या कुछ भी हो, उसको मतलब बहुत शौक से पढ़ती है। चश्मा लग गया या नहीं लगाया अभी? नहीं। चलिए, ये अच्छी बात है। सावनी, अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसका जवाब, लेकिन आपकी मदर बता रही हैं कि बचपन से अंग्रेजी गाने, अंग्रेजी लिटरेचर, और उससे बिल्कुल उलट है भारतीय शास्त्रीय संगीत, जहां पर जब आप और पढ़ेंगी, जब आप और कार्यक्रमों में जाएंगी, तो आपको ऐसे कलाकारों के बारे में भी पता चलेगा कि साहब एक राग वो 3 घंटे 3.5 घंटे तक एक राग गा रहे हैं, या एक आलाप उन्होंने लगाया तो 1-1.25 घंटे तक वो उनका आलाप चल रहा है। बहुत ठहर कर, बहुत शांत, बहुत सुकून वाली चीज है भारतीय शास्त्रीय संगीत। ये जो आपका स्विफ्ट हुआ है कह लें, या ये कह लें कि जो आपके एक एक चेंज आया है आपके बिहेवियर में, कि आप भारतीय शास्त्रीय संगीत आपने दोबारा आप उससे जुड़ी, कनेक्ट हुई, सीखना शुरू किया, इसके पीछे की कोई वजह है क्या? और फर्क क्या लगता है जब आप एक 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 अंग्रेजी गाने को सुनती हैं या पॉप सुनती हैं, और उसके बाद जब आप कोई राग सुनती हैं, आप राग बिलावल सुनती हैं, राग नंद सुनती हैं, या राग यमन सुनती हैं, दोनों के फ्रेम ऑफ माइंड में क्या फर्क आता है? ऐसा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, तो एक उसकी कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन होता है दिमाग पे, एक छाप होती है कि लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी थंडरस गाने वाले जो होते हैं वो एक कैटेगरी होती है, और एक बहुत बहुत शांति मिलती है किसी किसी का संगीत सुन के। तो ऐसी दो कैटेगरीज शास्त्रीय संगीत में भी होती है। कुछ कुछ लोग अपनी तैयारी दिखाते हैं शास्त्रीय संगीत में, और कुछ कुछ लोग सिर्फ भाव व्यक्त करते हैं तो एकदम हाँ ऐसा हो जाता है। तो क्लासिकल म्यूजिक भी आपको एक बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ मूड्स में सपोर्ट करने के लिए मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक अगेन क्या है कि दो बहुत अलग अलग जॉनर्स होने के कारण मैं ये नहीं कह सकती कि क्या बेहतर है क्या नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पे एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर किसी की लाइफ में। आप 24 आवर्स शायद शास्त्रीय संगीत सुन सकते हैं, लेकिन एक माइंड को फ्रेश करने के लिए या सेम राग को एक अलग तरीके से अप्रोच करने के लिए कुछ और सुनना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे फील होता है। और वेस्टर्न म्यूजिक में भी, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की तरफ अगर आप जाएं, सिम्फनी सुने, तो
आप ये समझेंगे कि कुछ कुछ जैसे जैज म्यूजिक है, जैज म्यूजिक में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शास्त्रीय संगीत के बहुत पास आ जाती हैं। जैज में मोड्स होते हैं जो हमारे भारतीय संगीत के जो राग हैं, जैसे भीम पलासी है या यमन है, ये उनके इंडियन काउंटर पार्ट है। लेकिन इंडियन म्यूजिक का जो ग्रेस है वो मुझे कभी भी वेस्टर्न म्यूजिक में नजर नहीं आता। ये मैं मेरा एक पर्सनल व्यू बता रही हूँ कि यू कैन फाइंड पीस, लेकिन वो जो ग्रेस होता है, जो एलिगेंस होता है शास्त्रीय संगीत में, वो कहीं और नहीं मिल सकता, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात कही आपने और मुझे बहुत खुशी है कि आपकी जो शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत को लेकर जो समझ है वो बहुत बहुत फ्रेश है और उसमें एक नयापन है। मुझे ये बताइए कि हमने एक भजन सुन लिया, एक राग भी सुन लिया, तो उप शास्त्रीय संगीत में अगर मैं गुजारिश करूं तो आप मुझे क्या सुनाने वाली हैं? ये जो नई नई जोड़ी है फेसबुक और सोशल मीडिया की, इससे कौन सी जुगलबंदी हम सुन सकते हैं क्लासिकल में? एक ठुमरी सुना सकते हैं हम लोग आपको, हाँ, या दादरा सुना सकते हैं, दादरा सुना सकते हैं। Ah
देखिए ये टेक्नोलॉजी का भी जमाना है कि अगर हम सब लोगों को मजबूरन लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद होना पड़ा तो कैसे दिमाग के दरवाजे खुले। और मैंने भी पहले जो इंटरव्यू में घरों पे जाके करता था वो अलग अलग तरीकों से इंटरव्यू करना शुरू किया और कैसे कमाल कमाल के कलाकार हमें मिलते हैं, हमारा उनका परिचय होता है और हम कोशिश करते हैं कि रागगिरी के माध्यम से उनकी मुलाकात अपने सब्सक्राइबर्स से कराएं, म्यूजिक लवर्स से कराएं। मुझे एक चीज और बताइए कि भारतीय ये प्रश्न मैं दोनों लोगों से पूछ रहा हूं और आप दोनों लोग इसका जवाब दीजिएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत को लेकर एक ये अवधारणा है या कह लें एक माइंडसेट है कि कोई बहुत ही बोझिल सी चीज होगी, एक बहुत ही कोई बुजुर्ग से कलाकार होंगे जो कोई एक ऐसा राग गा रहे होंगे जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो क्यों ताने ले रहे हैं, वो क्यों सरगम गा रहे हैं। ये जो डराने का भाव है भारतीय शास्त्रीय संगीत से कि नहीं जी समझ में नहीं आएगा, चूंकि आप दो अलग अलग पीढ़ी के कलाकार हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई शास्त्रीय संगीत की जो प्योरिटी वर्सेस पॉपुलैरिटी की जो लड़ाई है वो ऐसे ही चलती रहेगी, या आपको लगता है कि नहीं इस फॉर्म को थोड़ा आसान करने की जरूरत है जिससे सावनी जैसे यंगस्टर्स या इनसे भी छोटे बच्चे इससे कनेक्ट कर सकें। आप क्या सोचती हैं इस बारे में कनक जी? देखिए वैसे देखा जाए तो अब उतना ज्यादा शास्त्रीय संगीत में स्टिफनेस नहीं है जैसा पहले था। घराने जो लोग फॉलो, हर व्यक्ति मतलब क्लासिकल जो भी आज बड़ा नाम है वो सब एक पर्टिकुलर किसी ना किसी घराने को बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों ने जिनसे सीखा है वो लोग बड़े कड़क मिजाज के और रूल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाले और ऐसे रहे हैं। लेकिन विद टाइम बहुत लिबरल क्लासिकल म्यूजिक में हो गया है। क्या हुआ है कि जब एक पर्टिकुलर घराने को स्टिक करते हैं तो सिर्फ उसी चीज को स्टिक करते रहने से बहुत ज्यादा अच्छा एक फीलिंग अब की जनरेशन को आता नहीं। एक तो उतनी देर बैठने का डिसिप्लिन नहीं है, उसके बाद उतना हर घराने में अलग 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 चीजें, किसी का सिर्फ तान का स्वरूप बहुत अच्छा है, किसी का सिर्फ आलापी का स्वरूप बहुत अच्छा है। लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे अभी समय के साथ में ये बदलाव जो आया है, जो मुझे, मैं खुद भी उस चीज को मानती हूँ कि अगर किसी एक विशिष्ट घराने में तान बहुत अच्छी है और किसी एक विशिष्ट घराने में आलापी बहुत अच्छी है तो अपने गाने को उन दोनों चीजों के साथ मिला के क्यों उन्हें समृद्ध किया जाए। किसी घराने में बहुत सुंदर एक्सप्रेशन है, अब अगर मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं तो राशिद खान साहब के एक्सप्रेशन इतने ब्यूटीफुल हैं कि अगर उनको उनकी कहन इतनी सुंदर है कि वो सुनने के बाद डायरेक्ट मुझे आहा क्या बात है ऐसे ही निकलता है। तो अपने गाने में अगर उस चीज को लाने की कोशिश की करें अगर तो बहुत यंगस्टर्स को अपील करती है वो सारी चीजें। और ये सावनी भी बहुत बेहतर बता पाएंगे कि क्या अच्छा लगता है उन लोगों को आजकल के इसमें, पर विद टाइम ये चेंजेस आने से बहुत बदलाव आया है और बच्चों को, और इनफैक्ट बच्चों को भी स्कूल में जो कंपलसरी किया है म्यूजिक के लिए उससे भी बहुत चेंजेस आए हैं। आपने जो प्योरिटी वर्सेस पॉपुलैरिटी की बात की मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पीढ़ी है उन्हें डेफिनेटली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मतलब कुछ बहुत भारी सा है और हम 5 मिनट से ऊपर सुन नहीं सकते, ये एक धारणा जो है वो अभी भी है। उसका कारण ऐसा है, ऐसा मुझे लगता है कि हमें बचपन से ये बताने वाला कोई नहीं है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत ये हमारा संगीत है, ये हमारा म्यूजिक है। तो बचपन से ये सुनवाना हमारे बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं है, उसका एक इंटरेस्ट डेवलप करना। जैसे कोई भी खुद से पढ़ना चाहता नहीं है लेकिन अगर किसी को पढ़ने का शौक है तो वो इसलिए क्योंकि उन्हें बचपन से उसकी आदत है या वो इंटरेस्ट उन्हें डेवलप विद टाइम कराया गया, तो वो क्लासिकल म्यूजिक सुनने का इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी जनरेशन के लोग सुनते नहीं है, सुनते हैं कुछ भी तो बहुत मन लगा के सुनते हैं।
तो अगर क्लासिकल म्यूजिक बचपन से ही सुनाया जाए तो क्यों नहीं सुनेंगे मन लगा के। अभी कितने सारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के यूथ आइकन्स है, जैसे अभी आपने निलाद्री कुमार जी का जिक्र किया, ही इज अ यूथ आइकन। कौशिकी चक्रवर्ती जी है, वो यूथ आइकन है, हर कोई उनका गाना सुनता है। या आजकल जो कंपोजर्स हैं वो क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड गाने बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्लासिकल म्यूजिक हम तक पहुंचता है, लेकिन उसके ग्रास रूट लेवल पे, जैसा वो प्योर रॉ फॉर्म में पहुंचना चाहिए, वो पहुंचाने के लिए किसी ना किसी को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पॉपुलैरिटी से ज्यादा हमें उसमें इंटरेस्ट होगा, तभी आगे की जेनरेशन में वो पास ऑन होगा। अगर हमें ही कोई पास ऑन नहीं करेगा तो हम वो आगे कैसे लेके जाए, ऐसा मुझे लगता है। हमारी जो संस्था है सावनी रागगिरी, हम 2014 से यही प्रयास कर रहे हैं जो आपने कहा। और कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मैंने तमाम स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनसे जाके कहा कि ए फॉर एप्पल और ए फॉर एरोप्लेन और बी फॉर बॉल, तो हम बी फॉर बॉय तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरे पिताजी ने भी यही पढ़ा था, मैं भी यही पढ़ रहा हूँ और शायद अगली जनरेशन भी यही पढ़ेगी, तो क्यों ना हम ए फॉर अकॉर्डियन, बी फॉर बैंजो, सी फॉर कॉन्गो, डी फॉर ड्रम पढ़ाए। मैंने कहा कि हम जब कहते हैं कि इस देश में किंग खान कौन है, तो हम कहते हैं कि भाई शाहरुख हैं या सलमान हैं या आमिर खान हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर वाकई किंग खान का कोई तमगा है तो वो तो बिस्मिल्ला खान साहब को मिलना चाहिए, क्योंकि देश के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न से वो सम्मानित किए गए हैं। या मैं उदाहरण देता हूं कि हम लोग फिल्म शोले में जय और वीरू की जोड़ी का जिक्र करते हैं, तो क्यों ना हम राजन साजन जी की जोड़ी का जिक्र करें जिन्होंने 50 साल तक साथ में गाया। हालांकि अनफॉर्चुनेटली राजन जी पिछले साल, उनका इसी साल बल्कि, उनका निधन हो गया। तो ये संगीत, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम, जैसे आप माँ बेटी के तौर पर मैं कहूं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम अपने बच्चे को दूध ही पिला रहे हैं, लेकिन दूध में थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डाल देते हैं ताकि उसकी शक्ल बदल जाए, थोड़ा सा रंग बदल जाए, थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो शास्त्रीय संगीत को लेकर मुझे भी यही लगता है जो बात आपने कही, कि बचपन से 5 साल 6 साल की उम्र से उनको अगर हम सुनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी वजह है कि उन्हें शास्त्रीय संगीत नहीं पसंद आएगा या नहीं समझ में आएगा। रॉकेट साइंस तो कुछ भी नहीं है अगर आप मन लगा के उसको समझने की कोशिश करें तो। और कई बार मुझे लगता है कि संगीत को समझने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप आपके जहन में उतरता चला जाता है। खैर, मेरा भाषण बहुत हो गया, तो मुझे लगता है कि अब इस इंटरव्यू को हम खत्म करें। और खत्म करने से पहले सिर्फ आखिरी एक गुजारिश और, कि हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया, एक कोई गजल भी सुनना चाहेंगे आप लोगों से, और उसके बाद फिर इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। दर्दे जिंदगी
मुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया, दयार दिल की रात में चराग सा जला गया, तो भजन से लेकर गजल तक की गायकी के बाद अब कनक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सावनी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सावनी को खास तौर पर, क्योंकि उनको इस बात की भी शुभकामनाएं देनी है कि उन्हें चश्मा ना लगे जितना वो पढ़ रही है। तो लगना कुछ बुरा नहीं होता वैसे, लेकिन इतना भी मतलब आंखों को थोड़ा रेस्ट भी दीजिए, गले को थोड़ा ज्यादा आप काम करा सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमें बुलाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बात करके। थैंक यू सो मच।